बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं मुगलाई चिकन हांडे की रेसिपी। तो बनाना शुरू करते हैं। हांडे में सबसे पहले हम तेल शामिल कर लेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। दो हमने प्याज ले लें, जिनको हमने छोटे छोटे बारीक काट लिए। प्याज को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। हमने कुछ बादाम और काजू ले लिए, तो इनका हम पेस्ट बना लेते हैं। प्याज जो हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, इस तरह हमने कर लिए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वो शामिल करेंगे। दो टेबलस्पून में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वो डालेंगे। अच्छी तरह से अदरक लहसुन को भी भून लेंगे। एक अदद हमने चिकन ले लिया, अच्छी तरह से धो के हमने पानी को ड्रेन कर लिया। तो सबसे पहले हम चिकन को भून लेंगे। प्याज और लहसुन अदरक में चिकन अच्छी तरह से हम भूनेंगे। चिकन की बुनाई हमने अच्छी तरह से कर ली है। आप चिकन बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हड्डी वाले लिए, ज़रा हड्डी इसका टेस्ट और मज़ेदार बनता है। अभी हम टमाटर शामिल करें। दो अदद मैंने टमाटर लिए, जिनको हमने पेस्ट बना लिए। बड़े टमाटर हमने लिए। टमाटरों को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे और चिकन भी इस तरह अच्छी तरह से भून जाएगा टमाटर में। टमाटर का पानी हमने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें मसाले जो वो शामिल करेंगे। हमने मसाले लिए हैं। हमने ज़ीरा ले लिया साबुत, जिसको मोटा मोटा हमने पीस लिया है। साबुत धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा भी 1 टीस्पून हमने लिए, और सुरख मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पपरिका पाउडर 1 टीस्पून, कड़ी पाउडर 1 टीस्पून, मेथी पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे, लेकिन मेथी और गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। बाकी जो इतने मसाले हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मसाले को भी भून लेंगे। मसाले भी हमारे अच्छे तरह से भून चुके हैं। तेल बिल्कुल ऊपर आ गया। अब हम इसमें दही वो शामिल करेंगे। मैं इसमें 4 टेबलस्पून हम दही डाल रहे हैं। दही को भी हम इसी तरह भून लेंगे। और दही डालते वक्त आंच हमने बिल्कुल मध्यम रखनी है। दही भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें काजू और बादाम का जो हमने पेस्ट बनाया वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इस तरह भूनेंगे और मज़ीद दही भी, और अच्छी तरह से हमारा पक चुका है इसमें, और जो हमने पेस्ट बनाया था बादाम और काजू का वो भी अच्छी तरह से इस तरह पक चुका है। थोड़ा सा हम पानी इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको दम देंगे, हल्की आंच पर रख देंगे 20 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो चिकन वो अच्छी तरह से पक जाए। तो ऊपर से हम कवर कर देंगे। 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, तो चिकन को हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें गरम मसाला और मेथी जो हमने बचाई थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल चिकन हमारा तैयार हो चुका है। तेल भी ऊपर आ गया। अभी हम इतना ही हमने गाढ़ा रखना है। चूल्हे को हम बंद कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।